बहुत गर्मी लग रही है यार। जब फायर का कलर डीप रेड होता है तो आग का टेम्परेचर 600 टू 800 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या? अब तो फायर का कलर ऑरेंजिश येलो हो गया। इसका मतलब आग का टेम्परेचर होगा 1100 डिग्री सेल्सियस। विवान, कहीं हमने बलून को बादलों में लाके कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी? नहीं दीदी, ट्रस्ट मी, जैसे इन बादलों में से पानी बरसेगा ये आग अपने आप बुझ जाएगी। वो तुम्हारा साथी तो भाग गया भयमार, अब तुम किसका इंतजार कर रहे हो? मेरे मारने का? बालवीर की ताकत उसकी बाजुओं में, लेकिन उसकी कमजोरी उसके दिल में। अब मैं इसी कमजोरी का फायदा उठाऊंगा। क्या सोच रहे हो भयमार? यही ना कि तुम मरे हुए ही ठीक थे। गलती कर दी तुमने वापस आकर। मुझे कम आंकने की गलती तुम कर रहे हो बालवीर, क्योंकि अब तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या करने वाला हूं। भगवान जी ने फाइनली अपना फायर ब्रिगेड ऑन कर ही दिया। और मैं भी हमेशा याद रखूंगा कि मैं जब भी ब्रश करूंगा ना तो वॉश बेसिन का टैप बंद करके रखूंगा, बिकॉज वाटर इज इंपॉर्टेंट। हाँ। विमान, ये बलून तो नीचे जा रहा है। क्या? हाँ। क्या? लगता है बारिश के पानी से बलून से गर्म हवा लीक हो रही है और इसलिए ये बलून नीचे जा रहा है। क्या? एक मुसीबत खत्म नहीं होती है, दूसरी आ जाती है। मुझे तो लगता है तेरी लाइफ का लास्ट डे है, मतलब हम सबकी लाइफ का लास्ट डे है। मम्मी, बच्चों, तुमने विवान को कहीं देखा है क्या? नहीं। पद्मिनी जी, आपने विवान खुशी को कहीं देखा क्या? अला, सुबह सुतली भी यही पूछ रही थी कि विवान और खुशी होमवर्क करने आने वाले थे लेकिन आए नहीं। यानी आपको भी नहीं पता? नहीं। करुणा जी, एक काम करते हैं ना, हम दिवाली जी को पूछते हैं, उन्हें पता होगा। हाँ। एक मिनट, मैं आपका हिसाब कर लेती हूँ। देखो पूजा, आपने मुझे 100 में से 50 रुपए दे दी हो, अभी आपके बच्चे 60 रुपए। 60 रुपए कैसे? 50 बचेंगे ना। ओहो पूजा बेन, आपका गणित इतना कमजोर है ना। कोई वांधा नहीं, मैं आपको समझाती हूँ। देखो, 100 में से 50 रुपए आपने मुझे दिए तो फिर बचे कितने है ने? ओके, आप लिखे रखिए। आवड़ी गए ने? 60 रुपए हो दिवाली बेन। हाँ। वो बच्चों को देखा है क्या? बच्चे? हाँ। ओहो पद्मिनी बेन, ये बच्चे इधर किधर कहीं शरारत करने में बिजी होंगे, लेकिन आप लोग इतना टेंशन में क्यों लग रहे हो? शरारत कर रहे होते ना तो अब तक तो शिकायत मिल गई होती विवान की। मतलब ऐसा मैं नहीं, बाकी के सारे भारत में घर वाले बोलते हैं। हाँ हाँ, सच्ची बात है। अरे अनन्या बोल रही थी कि सारे बच्चे एक साथ खेलने गए हैं, लेकिन अब तो अनन्या भी काफी देर से गायब है। करुणा बहन, मुझे लगता है अनन्या और बच्चे सब साथ में ही होंगे। एक काम करो ने, आप अनन्या को ना जोर से आवाज लगाओ।
अनन्या ए भाव, सीधे फैंसी ड्रेस कंपटीशन से इधर आ गए हो क्या? अभी पता चल जाएगा। ए भाव, जादूगर है? नहीं नहीं, आईने वाला है। क्या बोध मेरी बेन? ओ कस्टमर का ध्यान उसकी तरफ ऐसे खींचा चला जाए ना, इसलिए उसने ऐसे कपड़े पहने। ये ना भाई? देखो भाई, मैं तुमको बता देती हूँ, ये ना मेरे कस्टमर है वो सालों से। हाँ, इनको ऐसा आईना खरीदना होगा ना तो ये मेरी दुकान है, ए छेड़ा शॉप से खरीद लेंगे, है ना? तुम्हारे जैसे आईने वाले से नहीं लेंगे। हाँ, फ्री में दोगे ना फिर भी नहीं लेंगे। रखो अपना आईना अपने पास ही। हाँ पद्मिनी में सॉल ले रहा। अरे बोलो, नहीं सुनो, ये छोटे मेरे से ड्रेसिंग टेबल वाला बड़ा मेरे कैसे बन गया? हाँ। अगर जानना है तो खुद आईने में झांक कर देख लो। खरीदना क्या है, देख तो सकती है। चलो हाथ तो वाली। नहीं नहीं पद्मिनी जी, दिवाली जी रुक जाएगी। ये कैसे हो गया? तुम कहाँ गए ये दोनों? जरा विवान के मॉम को डेमोंस्ट्रेशन दिखा दो साल लोग के गेस्ट। को बचाने के बालवीर अरे मिस्टर गैस, और थोड़ा फोर्स लगाओ ताकि ये मदर एंड सन इधर के अंदर घुस जाए, कैद हो जाए। आप मुझे सुन रहे हैं? कहीं देखो भैया किसी प्रॉब्लम में तो नहीं फंस गए? मुझे अनन्या दीदी को कांटेक्ट करना चाहिए। ये क्या हो रहा है देवो? मिरर के अंदर भारत नगर कैसे आ गया? करुणा बहन, करुणा बहन, अच्छा हुआ आप आ गए। करुणा बहन, मुझे लग रहा है कि हम लोग सब ना कोई बहुत भयानक सपना देख रहे हो। वो सब कुछ कितना अजीब सा है। हाँ, मैंने ना सुबह साड़ी सुखाई थी, वो नहीं है। हाँ हाँ, ये मिरर वर्ल्ड है, ये भारत नगर जैसी दिखती है, जैसे उसका प्रतिबिंब,
लेकिन ये सच में भारत अगर नहीं है। लकी, लकी मतलब वो आईने वाले के पास से हम लोगों ने आईना नहीं खरीदा तो उसने हम लोगों को सबको ऐसे आईने में भेज दिया। हम यहाँ से कैसे निकल पाएंगे देवो, कैसे निकलेंगे? अगर ये दर्पण जाल भयमार ने बनाया है तो उसे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी पता होगा। क्या सोच रहे हो तुम? अब माँ आंटी आप सब यहीं पे रुकिए, मैं यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहा था। हाँ, जल्दी आ जल्दी। लगता है शॉक लगने की वजह से मुझे इल्यूजन हो रहा है, मुझे हवा में अनन्या दीदी दिख रही है क्या? रिंकू मुझे भी तेरे वाला इल्यूजन हो रहा है। अरे ये कोई इल्यूजन नहीं है। हाय किड्स। हाय दीदी, आप यहाँ पे कैसे? और आपके पैर कैसे निकल आए? मुझे तो लगता है भगवान जी खुद हमें बचाने के लिए अनन्या दीदी के रूप में आए हो। हाँ। अनन्या दीदी बचाइए हमें। दीदी बचाइए। दीदी बचाइए। दीदी प्लीज सुनो। सब क्वेश्चंस के आंसर्स बाद में, पहले मुझे तुम लोगों को यहाँ से बाहर निकालना है। अरे लेकिन कैसे दीदी? मैं एक एक करके तुम सब लोगों को यहाँ से नीचे लेके जाऊंगी। हाँ। अरे नहीं दीदी, इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। दीदी आप एक काम कीजिए, आप ऐसा ही सेम टू सेम दूसरा बलून ड्रॉ कीजिए। ओके विवान। ड्रॉइंग, फ्लाइंग, कुछ भी समझ नहीं आई। अरे सॉरी। बलून का आइडिया अच्छा है विवान, मैं ट्राई करती हूँ। अरे दीदी हैप्पी बर्थडे वाले बलून नहीं बनाने हैं, एक सिंपल सा बना दो ना ऐसा कॉपी पेस्ट करके। हाँ। अच्छा ओके ओके, मुझे नर्वस मत करो, लेट मी कॉन्सेंट्रेट। अरे नर्वस ब्रेकडाउन तो मुझे हो रहा है। अरे चुप, सॉरी। यस यस यस। अनन्या बालवीर की जगह बच्चों को बचाने क्यों आई है? इसका मतलब भयमार ने बालवीर को फिनिश तो नहीं कर दिया, यानी कि गेम ओवर? ये क्या गड़बड़ घोटाला कर दिया आपने? अपने खोदे हुए गड्ढे में खुद ही गिर गए और साथ में मुझे भी गिरा दिया। चुप बेवकूफ। चुप क्यों? मैं क्यों चुप रहूं? सोचा था एक्स्ट्रा पावर वाले विलन के साथ रहूंगा तो लाइफ में एक आराम मिलेगा, लेकिन आप तो अरे शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। अरे मतलब यहाँ से बाहर निकलने का कोई प्लान है दिमाग में? प्लान है तौबा तौबा, प्लान है। यहाँ से बाहर निकलने की चाबी उस जगह पर है जहाँ एम का निशान बना होगा। एम? एम से मजाक कर रहे हो क्या? अरे शीशा आपने बनाया है तो एम का निशान कहाँ है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए ना। अरे देखो तौबा तौबा, मैंने इस दुनिया को उस दर्पण के एक टुकड़े से बनाया है, बहुत जल्दी में वो चाबी कहाँ है वो एम का निशान बताएगा, ढूंढ उसे। हाँ तो एम से माइंड पे जोर डालो और एम का निशान ढूंढो, मतलब ढूंढते। इन लोगों से पहले मुझे उस एम को ढूंढना होगा। चलो बल्डन, अब बस इस छोटे से ब्रिज को क्रॉस करना। नो, बी ब्रेव, डरने से कोई काम नहीं होगा। चलो चिट्टू पहले तुम आओ। हाँ जाओ। अब 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 मैं क्यों? एक काम कर, तू चिंटी को ले जा। मैं क्यों? पहले खुशी जाएगी। वाओ नाइस जॉब, लेकिन मैं भी पहले नहीं जाऊंगी। ओके ओके ठीक है, तो ये तय रहा कि सबसे पहले रिंकू जाएगा। हाँ रिंकू जाएगा। नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। अरे रिंकू कुछ नहीं होगा। अरे जाना, जाना। दोस्तों के दुश्मनों वाले काम कर रहे हैं। अरे ट्रस्ट मी दोस्त, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बस आराम से एक एक पैर रख के ठीक पहुंच जा। अरे जाना रिंकू। चुप चुप। वेरी गुड रिंकू, कम ऑन वेरी गुड। राम 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 राम।
राम 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 राम। रिंकू, तुम ये पकड़ो और चलो मेरे साथ। गुड आइडिया दीदी। रिंकू 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 राम 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 नहीं मैं नहीं मैं जाना चिंटी जा 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 चिंता मत करो चिंटी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी ऑल द बेस्ट ध्यान से जाना इस अनन्या ने पहले भी मेरी लाइफ अपसेट कर रखी थी और अब फेरी बनकर मेरा प्लान अपसेट करने आई है मैं अभी देखता हूँ कैसे रेस्क्यू करते हो बच्चों को इतनी तेज हवा कैसे चलने लगी ये रेत की वजह से तूफान आ रहा है दीदी जाकर थोड़ी हवा निकालिए उसकी मैं देबू को बुलाकर लाती हूँ संभाल के अरे चिंटी आगे जाओ आगे बढ़ो मम्मी मम्मी अरे चिंटी जल्दी आगे जाओ उधर से बर्ड्स का झुंड आ रहा है बर्ड्स कहाँ है बर्ड रुको मत चिंटी आगे जाओ जाओ चिंटी जल्दी जाओ अरे चिट्टी जल्दी आगे जाओ यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिला क्या हमें एम लेटर ढूंढना होगा अरे बोलो नहीं सुनो ये एम क्या है माँ एम एक निशान है जो यही कहीं पर भारत नगर में होगा जिसके पास हमें यहाँ से बाहर निकलने की चाबी मिलेगी अरे देवू लेकिन ऐसा कोई निशान भारत नगर में नहीं है वो मिश्रा जी की नेम प्लेटर है अरे लेकिन वो भी तो गायब है माँ हमें ये नहीं भूलना है कि ये सच में भारत नगर नहीं है बल्कि भारत नगर का एक प्रतिबिंब है इसका मतलब एम अक्षर कहीं पर भी हो सकता है और अगर ये एम का निशान नहीं मिला तो आप सब ऐसे हिम्मत मत हारी हमें अगर भारत नगर के बच्चों को ढूंढना है तो हमें हिम्मत रखनी होगी नहीं नहीं देबू हाँ हम लोग ढूंढेंगे अरे भारत नगर के बच्चों के लिए एम तो क्या हम पूरे के पूरे 12 खड़े ढूंढ डालेंगे हाई शपथ मैं भी यही बोलने वाली थी ABCD से लेके XYZ तक सब ढूंढ डालेंगे यस तो चलिए एम अक्षर को ढूंढते हैं चलो चिंटू अब तुम्हारी बारी मेरी बारी अब विवान एक काम करना सबसे पहले तू खुशी को ले जा नहीं नहीं विवान मैं नहीं जाऊंगी पहले चिंटू ही जाएगा अब अच्छा ठीक है दीदी चिंटू तुम चलो मेरे साथ मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे साथ पर प्लीज मेरा हाथ मत छोड़ना मैंने आज तक तेरे साथ जितने भी प्रैंक किए हैं उन सबके लिए मैं तेरे को एक साथ सॉरी बोलता हूँ सॉरी चिंटू रिलैक्स कुछ नहीं होगा मैं चल रहा हूँ ना तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा चलो आ जाओ आ रहा हूँ चिंटी Thank you.
विवान पहुंच गए। चिंटू अपना हाथ छोड़ेगा तभी तो पहुंचेगा। हैं? बच गए। दीदी अब आपकी बारी, जल्दी आइए। खुशी नहीं, मुझसे नहीं होगा विवान। अरे घबराइए मत दीदी, हम सब पहुंच गए। हाँ, आराम से पहुंच गए, आप भी आराम से आ जाओगे। आइए दीदी आइए, कम ऑन, वेरी गुड, खुशी आ जाओ, वेरी गुड। मुझे नहीं लगता कि ये वो एम है जो हम ढूंढ रहे हैं। हाय हाय, ये भी एम नहीं है। अरे तो फिर आप एम ढूंढने, मिल गया। ये देखो एम। हाँ, लेकिन ये भी वो एम नहीं हो सकता, क्योंकि ना ही उसके पास कोई चाबी है और ना ही कोई निशान। हमें कोई और एम ढूंढना होगा। अगर हम ऐसे लेटर एम ढूंढते रहे तो ऐसे तो सैकड़ों मिल जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ये एम हमें किसी पोस्टर में इतनी आसानी से मिल जाएगा। तो फिर ये एम मिलेगा कहाँ? Come on, you can do this, come on. अब टाइम है इस बलून को टक्कर देने का। ये जल्दी आ, नहीं तो तुम बाहर से टकरा जाएगी। हाँ। पहाड़, अरे दीदी खुशी जल्दी आ, दीदी जल्दी आइए, जल्दी आइए दीदी, दीदी जल्दी। ओह नो, रे ने इस प्लैंक पे भी मैजिक कर दिया है। अब तो मैं इस प्लैंक को उठा भी नहीं सकता। अब एक ही रास्ता है खुशी दीदी को बचाने का, मुझे इस बलून को टेल करना होगा। गाइस गाइस गाइस, हमें इस बलून के डायरेक्शन को चेंज करना होगा ताकि खुशी दीदी उस पहाड़ से ना टकरा जाए। डायरेक्शन कैसे चेंज करेंगे विवान? चिंटू और चिंटी की हेल्प से। बोल क्या करना है? हाँ तो तुम दोनों नाचना शुरू कर दो। तुझे इस सिचुएशन में हमारा डांस देखना है? विवान इज राइट, तुम लोगों के वेट के कारण 45 डिग्रीज पर बलून टिल्ट हो जाएगा, तो इससे खुशी दीदी यहाँ आएगी और मोमेंटम इनटू मोमेंटम। हाँ रिंकू प्लीज, हम तैयार हैं विवान। कम ऑन, हाय हाय, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हाँ, था के गया नहीं? हाँ। रुको रुको रुको, क्या हुआ करुणा जी? भारत नगर में ये पेड़ पहले नहीं थे? हाँ? अरे हाँ, एकदम साची बात बोले हो आपने करुणा बेन, ऐसे पेड़ तो है ही नहीं। अरे लेकिन आप तो छोड़ो ना, हम लोग तो यहाँ पे एम को ढूंढने आए हैं। हाँ। ये एम किधर है? वही तो। एक मिनट, यही तो है वो एम का निशान जो हम ढूंढ रहे थे। हैं? हाँ, ये एम। ओह लॉर्ड, तो एम छे, यानी इसी के आसपास हमें कोई चाबी या दरवाजा मिलेगी जो हमें इस मिरर वर्ल्ड से बाहर ले जाएगा। नो, हमसे पहले तो ये लोग यहाँ पर पहुंच गए। तो क्या हुआ, इन्हें थोड़ी पता है कि वो चाबी उस पेड़ के नीचे जमीन में दबी हुई है। हैं? तो फिर देर किस बात की है, चलो निकाल लेते चाबी कट्टे में से। चलो विवान, विवान मुझे बचाओ प्लीज विवान। आप घबराइए मत, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, आप आइए जल्दी। खुशी, thank you.
ठीक हो गई। आइए आइए भैमार जी। ये लोग यहाँ भी? आइए और चाबी निकाल लीजिए। अच्छा, मतलब अंधा पीसे चक्की और रोटी खाए कुत्ता? नहीं मतलब ये बड़ी मेहनत करके पेड़ के नीचे गड्ढा खोद के उसमें से चाबी निकाल लेंगे और तुम बड़ी आसानी से चाबी इनसे छीन लो। क्या? अब छीनने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी भैमा, क्योंकि तौबा तौबा ने खुद हमें बता दिया है कि वो चाबी कहां पर है। विवान, दीदी, दीदी, वेल डन किड्स। चलो अब मैं तुम सब लोगों को घर लेके चलती हूँ। यस। नॉट सो सून अनन्या, नॉट सो सून। वही निकाल दो। अबे हालो हालो ढूंढो। ये क्या है? ये शायद चाबी है। मिल गई चाबी। चलिए माँ, भागो भागो। अरे मिस्टर गेस्ट वाया काल लोग, हम लोग को तो खुद ही दर्पण में आत्मसमर्पण करना पड़ गया। अनन्या दीदी, भारत नगर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? हम थोड़े टाइम में पहुंच जाएंगे। लेकिन अनन्या दीदी, यही तो रिंकू ने पूछा है कि हम कितने देर में पहुंचेंगे? कुछ 8-10 घंटे में पहुंच जाएंगे हम। क्या 8-10 घंटे? दीदी हम उड़ते उड़ते ऐसी कौन सी जगह पहुंच गए जो हमें मुंबई पहुंचने के लिए 8-10 घंटे लगेंगे? वो एक्चुअली विवान, हम इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर उड़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया? इसका मतलब मैं कैंगरू देख सकता हूँ? हाँ रुक जा, अभी मैं तुझे दिखा दूँगा कैंगरू। रुक रुक रुक, नीचे फेंक दे, नीचे जाके दे। जा जा, नहीं देखना। फिकर नॉट रिंकू, हम थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे। हाँ लेकिन दीदी, लगता है फिकर हमारा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। वो देखिए, फाइटर जेट। विवान, मुझे तो लगता है इंडियन एयरफोर्स है, हमें बचाने के लिए आई है। क्राय और प्रे नहीं छोड़ेगा रे। चुप। अरे चाबी तो मिल गई, लेकिन तारा कहाँ है?
अरे लेकिन ये तो उन्हीं लोगों को पता होगा ना जिनसे हमने चाबी छीनी है। मिस्टर गेस्ट, शेम ऑन यू, ये क्या गुड़गोबर कर दिया आपने? ऐसा मैं नहीं, ऐसा चार लोग वाले बोलेंगे। मूर्ख, चाबी भले ही उनके पास हो लेकिन वो ताला कहाँ है ये उनको नहीं पता। हो सकता है कि आजीवन यहीं भटकते रहे लोग। भारत नगर में जितने भी दरवाजे हैं उन पर ताले लगे हुए हैं, लेकिन सिर्फ यही एक दरवाजा है जिस पर ताला नहीं लगा। तुम्हारा मतलब ये दरवाजा कोई क्लू हो सकता है? हाँ। हाय हाय, यहाँ पे ना तो कोई ताला है और ना ही कोई चाबी लगाने की जगह। नक्की कि मुझे लगता है ये ना हम लोगों को ऐसे भटकाने की कोशिश की जा रही है। हाँ। पर मान लो भाग्य के खेल से उन्हें पता चल भी गया कि वो ताला कहाँ है तो वो उसे खोल नहीं पाएंगे, क्योंकि जो चाबी उनके पास है वो नकली है, असली चाबी वो मिट्टी में चाबी ढूंढते समय मैंने नकली चाबी गाड़ दी थी, जिसे असली समझकर वो भाग निकले। वाह मिस्टर गेस्ट, वाह। चलो Thank you.
ये ऊपर नीचे वाली ट्रिक कब तक काम करेगी? हाँ विवान। अनन्या दीदी को चोटिए, मैं अभी इस इंजन पे टर्बो स्टील इंजन अटैच कर देती हूँ। हाँ। चलो बल्टे अब टॉप स्पीड पर उड़ते हैं। तुम्हें क्या लगता है विवान, मेरे पास टर्बो स्पीड वाला बटन नहीं है? हाँ, मैं कारीगर परी हूँ, फाइटर परी नहीं। इसका मतलब आप वेपन शो नहीं कर सकते? नो। अरे यार मर गए। नो नो चाबी लो। वीरों के वीर बालवीर, चाबी चाहिए? लो चाबी। उधर है। अनन्या दीदी, आप वेपन्स नहीं बना सकती तो क्या हुआ? मैं तो बालवीर, मैं तो अपने वेपन यूज कर सकता हूँ। लेकिन विवान, अगर तुमने अपनी पावर्स यूज करी तो परी तारा की हाई ऊर्जा की वजह से तुम जल जाओगे। क्या? लेकिन दीदी, ऐसी लाइफ का क्या फायदा जो अपने फ्रेंड्स के ही काम ना आ सके।
जल्दी आओ, दरवाजा खुल गया है। सामने आजादी की चाबी है और खुला रास्ता। मिस्टर गेट, अरे काहे का गेट, भाग तो मत भाग। अच्छाई की सबसे बड़ी वीकनेस होती है सेल्फ सैक्रिफाइस, यानी कि खुद का बलिदान। अब परी तारा की एनर्जी की वजह से विवान एक्सप्लोड हो जाएगा, लेकिन कोई उसे बचा नहीं पाएगा। विवान, विवान संभाल अपने आप को। विवान, अब परी तारा की एनर्जी की वजह से विवान एक्सप्लोड हो जाएगा, लेकिन कोई उसे बचा नहीं पाएगा। विवान, 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 अब बालवीर ही कुछ कर सकता है। हमें कैसे भी करके इस आईने की दुनिया से निकलना होगा। देवू चल। सच बोलो तो मुझे सच में विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हम लोग सच में भारत नगर में आ गए कि नहीं। हाँ दिवाली जी, हम सच में वापस आ गए हैं। पर एक बात समझ में नहीं आई, वो जादूगर सेल्समैन था कौन? हाँ, हाँ, एज तो। अब माँ आंटी मेरी तरफ देखिए, मैं आपको बताता। अब अरे मैं यहाँ विवान खुशी को ढूंढने आई थी। देवू, तुमने देखा है क्या दोनों को? हाँ माँ, वो विवान अपनी पलटन के साथ वो कमरे में वीडियो गेम खेल रहा है। मैं अभी उसे 10 मिनट में लेकर आता हूँ, अब चिंता मत कीजिए। विवान, लो तुम सब लोग की आइस पैक लो और विवान को लगाओ। हाँ। जल्दी करो। हाँ, विवान, अनन्या दीदी, इन आइस पैक से तो कुछ भी नहीं हो रहा है। विवान की बॉडी तो गर्म होती जा रही है।
रहने नहीं, ये मैंने किया है। बालवीर, माफ करना, लेकिन मैंने तुम सबका शरीर कुछ समय के लिए स्थिर कर दिया है ताकि विवान के शरीर की गर्मी से तुम सबका शरीर भस्म न हो जाए। अब जब तक परी तरह फिर से जागृत नहीं हो जाता, तुम सबको इसी हालत में रहना होगा। नो 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 नो, मैं ये नहीं होने दूंगा, ये नहीं होने दूंगा मैं। थोड़ी ही देर में परितारा की सारी बिखरी हुई शक्तियां वापस आ जाएंगी। परितारा की सारी शक्तियां वापस आ गई है, अब विवान अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर पाएगा। मम्मी बचाओ! विवान, बच्चों, तुम सब ठीक हो ना? भैया, एक सेकेंड। एक्सक्यूज मेरे, जिस बलून में तुम अपना बॉम्ब लाए थे उसे तो तुम भूल ही गए। ऊपर तो देखो, जब बुराई हारती है और अच्छाई जीतती है तो व्यू तो अच्छा होता ही है ना रिंकू? और आशा है कि इस धमाके में रेक का भी अंत हो गया। I hope that too, बड़े भैया। चलो, अब हमें तुरंत भारत नगर जाना होगा और 10 मिनट में वहाँ पहुँचना होगा। भैया, 10 मिनट में कैसे? अभी तो हम थाईलैंड के ऊपर उड़ रहे हैं। हाँ, और अभी तो मुंबई पहुँचने में 3-4 घंटे लग जाएंगे हमें। विश्वास रखो, बस 10 मिनट। ऐसा कैसे हो सकता है कि विवान घर पे और मुझे पता ना हो? तो चल के देख लेते हैं ना, भेल की भेल पूरी की पूरी हो ही जाएगी। अरे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हिम्मत है, वही कह रही थी मैं। दे 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 दे। टिंटू, हेलो 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 हेलो। अफसोस, अफसोस, पानी की देवता पैमार और रेख की आत्मा को शांति प्रदान करें। आज मेरे चौड़े कंधों पर बहुत भारी वजन आ गया है। कोई बात नहीं, मैं अपने ये भारी कंधों पर बुराई का भार उठा लूंगा और बुराई का झंडा मैं अकेला ही उठा लूंगा। तो बोलो,
श्री श्री तोबा तोबा जी की जय। अरे जोर से बोलो, श्री श्री तोबा तोबा जी की। अरे सपने तोड़ना तो कोई इससे सीखे। रे को मारना इम्पॉसिबल है, अरे बात भय मार की भैया युग हो। अब देखना यह है, ये दोनों बालवीर कब तक हमारी बुरी शक्तियों का सामना कर पाएंगे। बिकॉज मेरा अगला प्लान इससे भी ज्यादा डेंजरस होगा, आई प्रॉमिस। विवान, अब हमें और सतर्क रहना होगा, क्योंकि रे के साथ साथ भयमार भी लौट आया है। लेकिन भैया, अपने भयमार को तो आईने में कैद कर दिया था और रे को मैंने ब्लास्ट कर दिया था, तो फिर डर किस बात का? नहीं विवान, ये दोनों इतनी आसानी से नहीं मानने वाले, हमें और भी सतर्क रहना होगा। अरे यार, अब तो क्रिसमस की छुट्टी भी नहीं मिलेगी। विवान, हमारा काम डॉक्टर और फौजियों जैसा है, हमें हर समय इमरजेंसी के लिए तैयार रहना ही पड़ता है। अब चिंता मत करो विवान, तुम्हारी क्रिसमस की छुट्टी अब खराब नहीं होगी। शौर्य ने तुम दोनों के लिए ये भेजा है। वाओ, मतलब क्रिसमस शुरू होने से पहले ही हमें क्रिसमस गिफ्ट मिल रहा है। कुछ ऐसा ही समझ लो। ज्वाला परी, क्या मैं जान सकता हूँ कि ये गोल्डन स्पार्कल्स आखिर थे क्या? इस जादुई धूल के प्रभाव से तुम दोनों जब भी धरती पर बालवीर के रूप में सामने आओगे लोगों के, तो तुम्हें कोई नहीं पहचान पाएगा कि तुम विवान और देबू हो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हम भारत नगर के लोगों से अपने बालवीर वाले रूप में बिना किसी हिचकिचाहट के मिल पाएंगे। हाँ, थैंक यू ज्वाला परी। इस पर लॉकडाउन के चलते भी हम क्रिसमस पार्टी ही नहीं कर सकते। कितना मजा आता था पार्टी में, कितना कुछ खाने को मिलता था, चॉकलेट केक, फ्रूट केक, वेनिला केक, लेकिन इस साल कुछ भी नहीं मिलेगा। हेलो, माइक टेस्टिंग। हेलो विवान, सॉरी। सुनो 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 सुनो, माना कि लॉकडाउन लगा है, लेकिन सांता क्लॉस के लिए कौन सा लॉकडाउन, वो तो इस बार भी जरूर आएंगे। लेकिन बिना क्रिसमस ट्री के सांता क्लॉस गिफ्ट कैसे देंगे? अपने अपने हाथ आगे करो। और अब पूरे भारत नगर के लिए एक क्रिसमस वृक्ष। अब भारत नगर की सारे बच्चे मिलकर इस क्रिसमस ट्री को सजाएंगे। और हाँ, साथ ही साथ अपनी अपनी इच्छाएं लिखकर इस झाड़ पर सॉक्स में डाल देना, ताकि सांता क्लॉस आप सबकी इच्छाएं पूरी कर सके। फ्रेंड्स, वैसे तो लॉकडाउन में हम सबके पेरेंट्स की जॉब गई है और पे भी कट हुआ है, तो क्यों ना हम इस क्रिसमस हमारे लिए नहीं, हमारे पेरेंट्स के लिए विश मांगे। हाँ, इस क्रिसमस हम सब अपने पेरेंट्स के लिए गिफ्ट मांगेंगे। राइट। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी सांता क्लॉस इस बार हर बच्चे की तीन इच्छाएं पूरी करने वाले हैं। तीन विशेस। थैंक गॉड, मैं तो टेंशन में पड़ गया था कि अब तो मुझे पापा के लिए भी गिफ्ट मांगनी पड़ेगी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब हम तीनों के लिए गिफ्ट आएगी। तो चलो बच्चों, तैयारियों में लग जाओ और पूरा भारत नगर सजा दो। और हाँ, मैरी क्रिसमस। थैंक यू बालवीर। भैया, मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। क्यों विवान? अरे क्योंकि मैं सांता क्लॉस से मिलने वाला हूँ, और वो भी नॉर्थ पोल जाकर। अरे अरे अरे, लेकिन विवान, उत्तरी ध्रुव पर तो मैं जा रहा हूँ। क्यों,
मैं क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि यहाँ रहकर तुम्हें भारत नगर में सबकी सुरक्षा करनी होगी। वाह, यानी कि आप वहाँ सांता क्लॉज के साथ सबके लिए गिफ्ट पैक करोगे, जिंगल बेल गाओगे और मैं यहाँ क्या करूँगा? चौकीदारी। वाह, मुझे नहीं करनी चौकीदारी, मुझे नॉर्थ पोल जाना बस। लेकिन विवान, अब मैं भी क्या कर सकता हूँ? मजबूरी है, जिम्मेदारी है, बड़ा जो हूँ इसलिए मुझे ही जाना पड़ेगा। अरे भैया बड़ा, अरे भैया भैया, अरे भैया भैया रुके। अरे विवान, अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, उत्तरी ध्रुव पर जाने का मजा ही कुछ अलग है। वहाँ पर जाने के बाद वापस आने का मन ही नहीं करता। What is this, देवू भैया? एक तरफ आप मुझे नॉर्थ पोल जाने के लिए खुद लड़ जा रहे हैं और दूसरी तरफ अब मुझे नॉर्थ पोल जाने ही नहीं दे रहे। नॉट वेल, 496 497 498 499 500। क्या हुआ आरव, रुक क्यों गए? अरे वो आज तक मम्मी से 500 कदम से ज्यादा दूर नहीं गए ना हम दोनों, इसलिए डर लग रहा है। अरे वो बनारस से मुंबई घूमने आए, डरने नहीं। और तुम्हें वापस जाना है ना, तो तुम जाओ, मुझे तो आगे जाना है। 502 503 तरीके। आरव फिर से बेहोश हो गया। आरव, आरव उठो। आरव ठीक हो? चलो ना, चलो। ठीक है विवान, तो अब तो मुझे निकलना होगा और उत्तरी ध्रुव पर जाने के लिए मुझे खास वाहन की भी जरूरत है। सांता क्लॉज का स्लेज, सुपर। लेकिन क्या फायदा, इसमें तो आप जाने वाले हैं, जाइए। अरे लगता है हम सपना देख रहे हैं। अरे आरव क्या छोटी छोटी बात पे डरता है, उठो आरव उठो। ये सपना नहीं सच है। और ये पता करते हैं कि ये दोनों सांता क्लॉज की स्लेज के साथ घर कह रहे हैं, और ये बालवीर ही है या नहीं। अरे 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 रुको, आ रही, निकलने का समय हो रहा है। बाय बाय बाय। अरे हाँ बाय, जाओ ना। विवान मैं नहीं, तुम जा रहे हो। मैं सच्ची, थैंक यू बटर। चलो नॉर्थ पोल चलो। नहीं नहीं, 580 कदम दूर आ चुके हम दोनों मम्मी से, और वो भी नॉर्थ पोल जाना है। नहीं 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 नहीं, ठीक है तुम्हारी मर्जी, मैं तो जा रही हूँ। विवान अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूं। सांता क्लॉज, सी यू सून। हो हो हो। आरव आके तो खोलो, व्यू तो देखो, कितने ऊपर आ गए हैं। धत तेरे के। आरव उठो, आरव 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 उठो।
हमारा टी रेडी हो गया और भारत नगर भी अच्छे से सज गया, तो अब हम अपने ट्री को घर पे रख के आ जाते हैं और विश भी मांग लेते हैं। उसके बाद ये बड़ा वाला ट्री सजाएंगे। ओके चलो। अरे मोंटू भैया, मोंटू भैया, मोंटू भैया, मैरी क्रिसमस। ओ मैरी, शादी शादी क्रिसमस। हाँ मैरी नहीं, मैरी एम ई आर आर वाई, मैरी क्रिसमस। हाँ तुम दोनों मुझे इंग्लिश विंग्लिश क्या सिखा रहे हो? हाँ बड़ा हूँ ना मैं तुमसे, मुझे भी अच्छे से आती है इंग्लिश। मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। वैसे मोंटू भैया आज आप कौन सा नया प्रैंक करने वाले हो? तुम दोनों को क्या है? हाँ जाओ घर पे भागो इधर से। हाँ जा रहे, चल चंडी। क्रिसमस में क्रिसमस ट्री को ही गायब कर दूं तो कैसा रहेगा? साल की तरह इस बार भी बच्चों के लिए सारे उपहार तैयार हो चुके हैं। हाँ और अब हमें सेंटा क्लॉस को बुला लेना चाहिए ताकि वो जाके सबको उपहार बांट सके। सेंटा क्लॉस कहाँ है आप? सेंटा क्लॉस, सेंटा क्लॉस, सेंटा क्लॉस, अरे कहाँ रह गए सेंटा क्लॉस? मतलब इतना वाव तो मैं पहले कभी नहीं हुआ। अमेजिंग। हाय हाय हाय। उठो उठो आरव, घर आ गया? हाँ आरव। घर आ गया आरव, लेकिन सांता क्लॉस का घर नॉर्थ पोल में है? है नहीं आरव। वाओ बोलो वाओ। हेलो परी, ओ हेलो बाल परी। हाय। हेलो डुबा डुबा। हेलो हाडू। How do you do? Ha ha! How do you do? I am fine. वैसे सांता क्लॉस कहाँ है? बस थोड़ी ही देर में आते होंगे विवान। Hello boys! Hello परी! खुश रहो सांता, खुश रहो। खुश रहो परियो, खुश रहो। सांता क्लॉस। सांता क्लॉस! हो